हिंद मतलब आईपीसी। ये जो रैंक की बात है, देखो कैसे होता है कि एक सिस्टम होता है, आपने खबर पढ़ा कल परसों में कि उत्तर प्रदेश के दो बड़े जिलों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो गया है, सुना, नोएडा और लखनऊ में, है ना। तो देखो पुलिस का सबसे नीचे होता है कांस्टेबल, ये सबसे नीचे होता है, कांस्टेबल के ऊपर होता है एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब बताओ क्या होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसके बाद एसआई सब इंस्पेक्टर, इसके बाद आई इंस्पेक्टर। जो इंस्पेक्टर्स में सबसे ऊंचा होता है उसको एसओ या एसएचओ कह देते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं, यूपी में हैं तो एसओ बोल देंगे, दिल्ली में तो एसएचओ बोल देंगे, ठीक है। ये एक पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने का प्रभारी होता है, ठीक है, थाना अधिकारी आप कह सकते हैं हिंदी में इसको, दरोगा इसको बोलते हैं ना, दरोगा, हाँ हाँ। एसओ के ऊपर देखिए, एसओ के ऊपर होता है डीएसपी, या इसको सीडीपीओ भी कहीं कहीं बोल देते हैं, कुछ राज्यों में सीडीपीओ कहते हैं, कुछ राज्यों में डीवाईएसपी या डीएसपी कह देते हैं। एसडीपीओ होता है, हाँ, एसओ क्या फुल, अच्छा, सब डिवीजन पुलिस ऑफिसर हुआ ना, सब डिवीजन पुलिस ऑफिसर, और ऐसे डीवाईएसपी, हाँ, उत्तर प्रदेश में इसको सीओ बोलते हैं, सर्कल ऑफिसर बोलते हैं। तो डीवाईएसपी, एसडीपीओ, सीओ, ये एक ही रैंक है, इसका मतलब जिसके अंडर दो या तीन एसएचओस काम करते हैं, एसओस काम करते हैं, उसको बोलते हैं इसमें से किसी नाम से बोलते हैं। इससे एकदम ऊपर जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं एएसपी, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये वही है जिसको यूपी जैसे राज्यों में एसपी सिटी, एसपी रूरल, ये जो बोलते हैं ना, अगर एसपी के साथ कोई शब्द लगाओ, एसपी ट्रैफिक, एसपी सिटी, इसका मतलब वो बेसिकली कौन से रैंक पे है, एएसपी रैंक पे है। एएसपी के ऊपर जो रैंक आता है उसको बोलते हैं एसपी। अब क्या होगा कि इसी लेवल पर एएसपी के इक्विवेलेंट एक व्यक्ति होता है एसीपी। अगर कमिश्नरेट सिस्टम है तो ये एसीपी हो जाएगा, सुपरिंटेंडेंट सिस्टम है तो एएसपी हो जाएगा। तो एसपी के इक्विवेलेंट होता है डीसीपी। दिल्ली में डीसीपी नहीं होता, दिल्ली में इसको बोलते हैं एडिशनल डीसीपी। दिल्ली की रैंकिंग थोड़ी सी अलग है, मुंबई की रैंकिंग में जाएंगे तो डीसीपी हो जाएगा। तो आमतौर पर एसपी और डीसीपी बराबर है, दिल्ली में जो एडिशनल डीसीपी है वो एसपी के बराबर है, और इसका मतलब एक छोटे जिले का प्रभारी ये व्यक्ति होता है। जो आईपीएस 4 साल से 9 साल के अनुभव के बीच में है वो आमतौर पर एसपी या डीसीपी, और दिल्ली में तो एडिशनल डीसीपी के रैंक पर रहता है। जब सर्विस 9 साल की हो जाएगी तो ये व्यक्ति हो जाएगा एसएसपी, और ये व्यक्ति दिल्ली में है तो डीसीपी हो जाएगा, और ये दिल्ली से कहीं बाहर है, मुंबई वगैरह में है, तो इसको फिर एडिशनल डीसीपी बोल देंगे, एडिशनल सीपी बोल देंगे, सॉरी, एडिशनल सीपी, तभी एडिशनल सीपी हो जाता है, स्पष्ट हुआ एकदम। अभी कितने 9 साल हुए, अच्छा 9 साल में रुकिए, 9 साल में डीसीपी ही रहेगा वहां भी, 9 साल में 14 साल में चेंज करते हैं, ठीक है। अब 14 साल की सर्विस होते ही ये व्यक्ति डीआईजी हो जाएगा, और यहाँ ये व्यक्ति एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस हो जाएगा, एडिशनल। इसका मतलब ये जो एसएसपी है किसी बड़े जिले का एसपी होता है, जो डीआईजी है वो 2 या 3 एसपीज का हेड होता है, ठीक। जब सर्विस 18 साल की हो जाएगी तो ये व्यक्ति हो जाएगा आईजी, आईजी नहीं, आईजी, इंस्पेक्टर जनरल, और डीआईजी क्या है, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। कहीं कहीं एसएसपी को एआईजी भी कहते हैं, जैसे सीबीआई में देखेंगे तो एआईजी कहेंगे, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल। तो असिस्टेंट के बाद डेप्यूटी, डेप्यूटी के बाद डेप्यूटी, उस पद पे आता है। जो आईजी का रैंक यहां पर है ये होता है जॉइंट सीपी, दिल्ली जैसे शहरों में जहां कमिश्नरेट सिस्टम होता है, तो आईजी इज इक्विवेलेंट टू जॉइंट सीपी। आईजी के बाद जो रैंक आता है उसको बोलते हैं एडीजी, जब 22 साल की सर्विस हो जाती है एडीजी। एडीजी के इक्विवेलेंट कमिश्नरेट सिस्टम में आमतौर पर स्पेशल सीपी जैसे रैंक चलते हैं। एडीजी के बाद बनता है व्यक्ति डीजी, और डीजी के बाद बनता है डीजीपी। डीजीपी और डीजी सब बराबर होते हैं, सारे डीजीज में से एक व्यक्ति डीजीपी होता है। डीजी हाईएस्ट रैंक है पुलिस का, और जैसे मान लीजिए किसी राज्य में 5-6 डीजी हैं, उनमें से एक जो सबसे प्रमुख है उसको डीजीपी कह देंगे। यही डीजी या डीजीपी रैंक पे जो व्यक्ति कमिश्नर सिस्टम में, उसको बोलते हैं कमिश्नर। तो आमतौर पर कमिश्नर और अगर कमिश्नर किसी महानगर का, जैसे मुंबई का कमिश्नर डीजी रैंक का अधिकारी है, दिल्ली का पुलिस कमिश्नर डीजीपी रैंक का अधिकारी है, लेकिन नोएडा और लखनऊ में जो कमिश्नर बनेगा वो एडीजी रैंक का अधिकारी है। जो आपने क्लेस पढ़ी होंगे ना उसमें लिखा है कि एडीजी रैंक के अधिकारी को पुलिस कमिश्नर बनाएंगे। इसका बेसिक मतलब यह हुआ कि जिन लोगों ने लखनऊ और नोएडा में एसएसपीशिप को एंजॉय कर लिया इस बीच में, जैसे नोएडा में पिछले 4 एसएसपी में 2-3 मेरे बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं, एसएसपी थे वो। एसएसपी का मतलब अभी सिर्फ 9 से 14 साल की सर्विस के बीच में है, और वो नोएडा के एसएसपी थे, इसका मतलब पूरा नोएडा उनके कंट्रोल में था। अब जो नया सिस्टम है, अब नोएडा का प्रमुख वो होगा जिसकी सर्विस 22 से 25 साल के बीच में होगी। अब तक नोएडा का प्रमुख वो था जिसकी सर्विस 9 से 14 साल के बीच में थी, ऐसी लखनऊ में। तो नोएडा और लखनऊ को संभालने के लिए अब क्या किया, जैसे एक एक जिले में नोएडा में 9 डीसीपीज की नियुक्ति करने की बात चल रही है। तो जो व्यक्ति अकेला पूरा नोएडा संभाल रहा था, अब उसके लेवल के 9 लोग तो जूनियर लेवल पे काम करेंगे, फिर उनके बॉस, फिर उनके बॉस, फिर एक सुपर बॉस जो एडीजी सर का अधिकारी होगा। एडीजी बहुत ऊंचा पद होता है, और उसके बाद केवल डीजी बचता है, स्पष्ट हो गया एकदम, ठीक। चलिए, तो सीधे क्या बनना चाहते हो, डीजी? लेकिन वो मतलब सीधी एंट्री पुलिस में जो होती है ना, पुलिस में एंट्री के 4 रास्ते हैं। एक है कांस्टेबल बने, एक है सब इंस्पेक्टर बने, एक है डीएसपी बने, और एक है एएसपी बने। ये 4 ही एंट्री लेवल्स हैं। तो पुलिस में सबसे ऊंचा एंट्री लेवल है एएसपी, और एएसपी पे एंट्री करने वाला व्यक्ति होता है आईपीएस, और डीएसपी पे एंट्री करने वाला होता है पीपीएस। एसआई पे एंट्री करने वाला एसआई ही होता है, और कांस्टेबल पे कांस्टेबल ही होता है। तो एसआई और कांस्टेबल राज्य सरकार के पास होता है पूरी तरह से। ये जो पीपीएस है ये राज्य सरकार करती है, किंतु इसमें आगे चल के आईपीएस बनने का स्कोप रहता है, और आईपीएस तो केंद्र करती है जो राज्य को अलॉट कर देती है। क्या चीज, ये जो सब इंस्पेक्टर होते हैं आमतौर पर इनकी रिटायरमेंट एसीपी या एएसपी रैंक पे हो जाती है। कोई सब इंस्पेक्टर एसपी बने ऐसा अनुभव मेरे पास आ सक नहीं है, लेकिन जो डीएसपी होते हैं यहाँ पर डीआईजी रैंक तक चले जाते हैं।
समझे, जो डीएसपी बनेंगे एएसपी एसपी यहां तक जाते हैं लगभग डीआईजी तक, हाइट का कंपल्शन है आईपीएस में। तो पुरुषों के लिए 5'6" 165 सेंटीमीटर, लड़कियों के लिए 155 सेंटीमीटर, यानी कि 5'2" दरोगा। ऐसा चॉइस होगी बात होती है, एसआई को मुझे नहीं पता दरोगा क्या होता है। चलिए, लेकिन दुनिया में सबसे ताकतवर पद जो दो माने गए हैं, एक है पटवारी और एक है दरोगा, इनसे बड़ा कोई पद नहीं है।